मैंने सब जो देखो टोप है और ये पेन है और ये दो ढक्कन है और ये हैंडल है मतलब खम बनाने के लिए और ये देखो ये भी है। चलो दोस्तों तो हम तो ये है फोक, ये है स्पैचुला, ये है स्पैचुला, ये स्पैचुला, ये है बड़ा वाला चम्मच, इससे मैं मम्मी को सूप पिलाऊंगी। मैं छोटा सा गेम ही खेल लेती हूँ क्योंकि मेरा ना बहुत दिन मेरा ना बहुत ऐसे बहुत इंतजार कर कि मुझे इससे कुछ खेलो खेलो खेल, मम्मी को इतना काम था तो मैं खेल ही नहीं पाई, फिर मेरी मम्मी खा ली तो मैं इसको अनबॉक्स कर पाई। तो चलो दोस्तों खेलते हैं। तो मैं मम्मी के लिए बहुत अच्छी डिश बनाने मरा नहीं हूँ, चलो देखते हैं क्या बनाऊंगी मैं। तो चलो पहले मुझे ना सूप बनाने का मन कर रहा है, मम्मी के गाजर की सूप बनाती हूँ, मम्मी को गाजर की सूप बहुत पसंद है। तो मैंने लिए बड़े वाला चम्मच से बनाई सूप, सूप मम्मी को बुलाते हैं पियो। बहुत टेस्टी है तुम। मैं भी थोड़ा भी ली थी दोस्तों, बहुत टेस्टी और बना ली थी, मेरे बहुत समझ गया है। तो हमारा सूप तो बन चुका है, इसको बगल में अब मुझे मम्मी को मनाने का मन कर रहा है डोसा। चलो डोसा बनाते हैं। तो डोसा के लिए पहले मैं ले ली स्पैचुला और डोसा का वो डालने के लिए क्या लो क्या ना ये है। तो दोस्तों मैंने बड़ा वाला चम्मच, इससे डालूंगी मैं बेसन जिससे बनेगा मेरा डोसा। तो चलो डालती हूँ, तो वो हो गया सब फैला देती हूँ। अब मुझे ये ले स्पैचुला अब से निकालती हूँ। तो ये भी तो बन चुका, अब प्लेट चाहिए। इसको ऐसे ढक देती है क्योंकि अभी मैं प्लेट लेके आऊंगी तो इसमें मक्खी लग जाएगी। तो चलो दोस्तों प्लेट लेके आते हैं। वेट कहाँ है,